हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करा चुकी हूँ। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखते चलो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 577,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 348,700 वोट्स। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, एक सक्सेसफुल कैंडिडेट, वो उसको कितने वोट मिले हैं, 577,500। मतलब कि सक्सेसफुल यानी कि जो जीता है, जो कैंडिडेट जीता है, वो उसको कितने वोट्स मिले हैं, 577,500 वोट्स। जो उसके नियरेस्ट यानी कि जो सेकंड नंबर पे है, उसको कितने वोट्स मिले हैं, 348,700 वोट्स। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ देखते हैं। By what margin did the successful candidate win the election? जो हमारा successful candidate है, जो कि हमारा जो जीता है, जो candidate जीता है, वो कितने वोटों से जीता है? ठीक है, मैं एक आपको एक example से समझाती हूँ, फिर हम इस question को करते हैं। जैसे कि तीन दोस्त हैं, ठीक है, राम, श्याम, मोहन। ठीक है, ये तीन दोस्त हैं, ये election में खड़े हुए हैं, election मतलब चुनाव, वो एक चुनाव में खड़े हुए हैं। ठीक है, राम को मिले हैं 20 वोट्स, कितने 20, श्याम को 15 वोट्स, ठीक है, और मोहन को 10 वोट्स। ठीक है, तो जीता कौन है, राम जीता, क्योंकि राम को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, उसके बाद श्याम को मिले हैं और सबसे कम मोहन को मिले हैं। ठीक है, अब ये बताना है कि ये इसका नियरेस्ट है, मतलब कि इसके बाद इसे वोट्स मिले हैं, सबसे एंड में ये है। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो राम है वो श्याम से कितने वोटों से जीता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, राम को मिले हैं 20 वोट्स और श्याम को मिले हैं 15 वोट्स, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 आया। तो हमारा राम है वो कितने वोटों से जीता है, 5 वोटों से जीता है। ठीक है, ऐसा ही इसी में पूछा है कि जो हमारा सक्सेसफुल कैंडिडेट है, जो जीता है, उसको कितने वोट मिले हैं, 577,500, और जो नियरेस्ट मतलब कि जो सेकंड नंबर पे आया है, जो ठीक है सेकंड नंबर पे, उसको कितने वोट मिले हैं, 348,700। लेकिन ये पूछ रहा है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितने वोटों से जीता है। ठीक है, जैसे कि राम श्याम से कितने वोटों से जीता है, 5 वोटों से जीता है, क्योंकि इसके 20 है, इसके 15 है। ठीक इसी तरह से ये पूछ रहा है कि सक्सेसफुल जो कैंडिडेट है वो कितने वोटों से जीता है। ठीक है, चलो हम इसे करते हैं। ये एग्जाम्पल समझ आ गया होगा, इससे समझ आ गया होगा कि इसमें क्या पूछा और हमें क्या बताना है। ठीक है, तो लिखते हैं हम इसकी स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट, बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट, कितने मिले हमें सक्सेसफुल कैंडिडेट को वोट, 577,500। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद हम नियरेस्ट वाला लिखेंगे, नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर बाय हिज राइवल, कितना मिला इसको, 3 लाख हिज नियरेस्ट राइवल, 348,700 वोट्स। ठीक है, सक्सेसफुल को 577,500 वोट्स मिले हैं और नियरेस्ट वाले को 348,700 वोट्स मिले हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें ये बताना है कि कितने वोटों से जीता है। ठीक है, हम लिखेंगे मार्जिन बाय विच won the election, कि वो कितने वोटों से जीता है। हम क्या करेंगे, पहले सक्सेसफुल कैंडिडेट के वोट लिखेंगे, कितने वोट मिले थे इसको, 577,500। उसके बाद नियरेस्ट राइवल वाले लिखेंगे कि उसको कितने मिले थे, 348,700।
है, अब हम क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, जीरो जीरो, ठीक है, फाइव छोटा है तो कैरी लेंगे फिफ्टीन, फिफ्टीन में से सेवन गए तो एट, ठीक है, यहां पर बचा सिक्स, इससे कैरी लिया सिक्सटीन, सिक्सटीन में से एट गए तो एट, यहां पर बचा सिक्स, सिक्स में से फोर गए तो टू, ठीक है, यहां पर फाइव, फाइव में से थ्री गए तो टू, तो वो कितने वोटों से जीता है सक्सेसफुल कैंडिडेट, 2,28,800 वोटों से जीता है, ठीक है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दिया हुआ है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक वर्थ रुपीज 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, ठीक है। एक कीर्ति बुक स्टोर एक बुक दुकान का नाम है, ठीक है, वहां पर एक वीक में जून के फर्स्ट वीक में कितने की बिक्री हुई है, 2,85,891 रुपीज की। उसके बाद क्या लिखा है, एंड बुक वर्थ रुपीज 4,768 इन द सेकेंड वीक, और सेकेंड वीक में कितने की बिक्री हुई है, 4,768, ठीक है, यानी कि 4,07,068 रुपीज की। क्लियर हुआ इतना कि फर्स्ट वीक में कितने की बिक्री हुई है और सेकेंड वीक में कितने की हुई है, ठीक है। उसके बाद यानी कि बुक कितनी बिकी है हमारी फर्स्ट वीक में और सेकेंड वीक में। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, हाउ मच वॉज द सेल फॉर द टू वीक टूगेदर, ये बताओ कि पहले वीक में और दूसरे वीक में कितनी बिक्री हुई है कुल मिला के, ठीक है, दोनों को, दोनों को मिलाकर, यानी कि हम ऐड करेंगे, दोनों के ऐड कर देंगे तो हम बता देंगे टोटल बिक्री इतनी हुई है। क्लियर हुआ। उसके बाद क्या लिखा है, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, ये कह रहा है कि ये बताओ कि सबसे ज्यादा बिक्री यानी कि सबसे ज्यादा जो बुक है वो बिकी है किस वीक में बिकी है वो बताना है, और देन इसके उसके बाद इसने क्या बोला है, बाय हाउ मच और कितनी, ठीक है, कितनी यानी कि दोनों ये बताने कि किस वीक में ज्यादा हमारी बुक्स बिकी है, जैसे कि इसमें हमारी सेकंड वीक में ये हमने बता दिया, हाउ मच कितना यानी कि फर्स्ट वीक से कितनी की ज्यादा बिक्री हुई है हमारी, ठीक है। चलो हम इस इतना समझ आया क्वेश्चन, इसकी स्टेटमेंट देखो, हम लिखेंगे बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक, ठीक है, बुक सोल्ड, बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक में कितने की सोल्ड हुई है वही कितने की बिकी है, रुपीज 2,85,891 की। क्लियर हुआ इतना, फर्स्ट वीक में कितनी सोल्ड हुई, सेकंड वीक का बुक्स सोल्ड इन सेकंड वीक, सेकेंड वीक की, सेकेंड वीक में कितने की बिक्री हुई भाई, 4,768। इतना क्लियर हुआ, जो पूछा था हमने बता दिया। इसके बाद ये कह रहा है हाउ मच वॉज द सेल फॉर द टू वीक टूगेदर, दोनों वीक का बताना है, हम क्या लिखे, नंबर ऑफ बुक्स सेल इन बोथ वीक्स टुगेदर, ठीक है, यही लिखना है, टुगेदर कितने की बिक्री हुई है, ऐड कर देंगे, टुगेदर मतलब ऐड करेंगे, वन और एट नाइन, नाइन और सिक्स कितना होता है फिफ्टीन, फिफ्टीन का फाइव वन कैरी, ठीक है, एट और वन नाइन, नाइन और सेवन सिक्सटीन, सिक्सटीन का सिक्स वन कैरी, फाइव और वन सिक्स एट सिक्स। क्लियर हुआ इतना, तो उसे कितने, उसकी टोटल कितने कितने रुपए की बिक्री हुई, 6,86,659 रुपए की, ठीक है, 59 रुपए की इसकी सेल हुई है टोटल। क्या दिया हुआ है, इतना हमने लिख दिया जितना इसने पूछा था। इसके बाद इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड ग्रेटर, ठीक है, ये बताना है कि किस वीक में हमारी सबसे ज्यादा सेल हुई है, किस वीक में हुई है हमारी, सेकेंड वीक में, क्योंकि सेकेंड वीक में कितना दिया हुआ है, 4,07,68, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द सेल ऑफ बुक्स इज हायर इन सेकेंड वीक, ठीक है,
द सेल ऑफ बुक्स, बुक्स की जो सेल हुई थी हायर किस वीक में हुई है, इन सेकेंड वीक में हुई है, ठीक है, इतना बता दिया। इसके बाद ये क्या कहता है, बाई हाउ मच, कितने की हुई है, मतलब कि फर्स्ट और सेकेंड वीक में सबसे ज्यादा सेकेंड वीक की हुई है सेल, कितनी ज्यादा हुई है फर्स्ट के कंपैरिजन में, ठीक है, फर्स्ट वीक के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस पूछ लिया कि कितनी हुई है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो हम लिखेंगे डिफरेंस वीक्स, ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे, सबसे ज्यादा किसमें हुई है हमारे सेकंड वीक का, तो हम लिखते हैं 4,768, क्लियर हुआ। उससे कम कितने की हमारे फर्स्ट वीक में हुई थी, 2,85,891, इसकी सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो हमें पता चलेगा हमारी कितने की हुई थी, 8 में से 1 गया तो 7, ठीक है, यहाँ 6 यानी कि छोटा है तो कह रही है कि 16 में से 9 गए तो हमारे 7 बचे, क्लियर हुआ, यहाँ बचा 6, इससे कह रही लिया, इससे कह रही है यहाँ पर आया 16 में से 8 गए तो 8, क्लियर हुआ, यहाँ बचा 9 में से 5 गए तो 4, ठीक है, यहाँ पर 9 में से 8 गए तो 1, यहाँ बचा 3 में से 2 गए तो 1। तो हमारे जो सेकंड वीक में बिक्री हुई थी वो कंपेरिजन फर्स्ट वीक से कितनी ज्यादा हुई थी, 1,14,877। जो इसने पूछा था क्वेश्चन में हमने सारा एक्सप्लेन कर दिया है कि टुगेदर इन दोनों की, ये बताओ टोटल कितनी बिक्री हुई थी, हमने बता दी दोनों की टोटल इतनी सेल हुई थी, ठीक है, दोनों की सेल इतनी हुई थी, ये पूछा, इसने पूछा फिर उसके बाद कि किस वीक में ज्यादा हुई थी, सेकंड वीक में हमने बोल दिया द सेल ऑफ बुक इज हायर इन अ सेकंड वीक, फिर उसने पूछा कि सेकंड वीक में फर्स्ट वीक के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा हुई, तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों का डिफरेंस बता दिया, सेकंड वीक में ज्यादा हुई थी, फर्स्ट वीक में कम हुई थी, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करा, तो सेकंड वीक में कितनी ज्यादा हुई थी कंपैरिजन फर्स्ट के, 1,14,877। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, जो इसने पूछा था हमने वो सारा बता दिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या करना है, क्या दिया हुआ है इसमें, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट्स नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। देखो बच्चों इसमें क्या दिया है, इसने बोला है कि हमें ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर लिखने हैं, और वो नंबर इसमें दिए हुए हैं, इन्हीं में से हमें वो नंबर लिखने हैं, इन्हीं में से वो ग्रेटेस्ट बनाने हैं और इसी से हमें स्मॉलेस्ट बनाने हैं। लेकिन ध्यान रखना, इसने बोला है कि वो नंबर्स, ये जो ये नंबर दिए हैं, सिर्फ ये एक बार ही हमारे रिपीट होंगे, एक से ज्यादा बार हम इसे रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे करेंगे, हम इसने 5 नंबर्स दिए हैं, 5 डिजिट्स दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 6, 2, 7, 4, 3 ये डिजिट्स दिए हैं, इन्हीं से हमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और इन्हीं से हमें स्मॉलेस्ट लिखना है, फिर वो जो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आएंगे उनका डिफरेंस बताना है, यानी कि हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं, ठीक है, और हमें डिफरेंस बता देना कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो चलो हम इसे करते हैं, क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट्स, ठीक है, 5 डिजिट्स ग्रेटेस्ट, यानी कि जो ये हमें डिजिट्स दी हुई हैं, इनको पहले कैसे लिखेंगे, पहले सबसे बड़ी, सबसे बड़ा कौन सा नंबर, कौन से डिजिट्स है इसमें, 7, तो हम पहले सबसे पहले 7 को लिखेंगे, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद 3 और सबसे छोटा कौन सा है, 2, ठीक है, इसे हम इस तरह से लिखेंगे, डिसेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, तो हमारी ग्रेटेस्ट 5 डिजिट्स हो गई। अब हमें लिखना है स्मॉलेस्ट या फिर लीस्ट 5 डिजिट्स, लीस्ट मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, सबसे छोटी डिजिट्स कौन सी है इसमें, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6, फिर 7, ठीक है।
है, अब हमने इसकी ग्रेटेस्ट डिजिट भी बना ली और लीस्ट डिजिट्स भी, यानी कि लीस्ट डिजिट्स नंबर भी बना लिए, ठीक है। नंबर आएगा, डिजिट्स नंबर लिख देना है, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब क्या बताना है, इनका डिफरेंस बताना है, ठीक है, डिफरेंस, इनका डिफरेंस बताना है, मतलब कि डिफरेंस बताना है, सबट्रैक्ट करनी है इनकी, ठीक है। तो करते हैं, इससे कैरी लिया 12, 12 में से 7 गए तो 5, क्लियर हुआ इतना। उसके बाद यहाँ क्या बचा, 2, इससे कैरी लिया 12, 12 में से 6 गए तो 6, फिर यहाँ क्या बचा 3, इससे कैरी लिया 13, 13 में से 4 गए तो 9, यहाँ पर क्या बचा 5, 5 में से 3 गए तो 2, यहाँ पर 7 है, 7 में से 2 गए तो 5, क्लियर हुआ। इन दोनों का जो डिफरेंस आया, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट्स नंबर और लीस्ट 5 डिजिट्स नंबर का जो इनका डिफरेंस आया वो कितना आया है, हमारा आया है 52,965, ये हमारा डिफरेंस आया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है।